बाहर निकल गया ये। बहुत टेस्टी है भाई लोग। तो भाई लोग इसके अंदर है स्नेल्स, तो हम लोग इसको भी पकाएंगे। तो इसको जा रहे हैं आग में, तो और है क्रैप्स, तो क्रैप्स को भी दे रहे हैं आग में, तो इसको पकाएंगे। ठीक है, भाई लोग देख सकते हो गर्मी तो बहुत है ना। तो आज हम लोग फिर से निकल पड़े हैं, क्या कहते हैं, कोकोनट आइलैंड में जाएंगे, वहाँ में नहाएंगे। तो और भी है लोग, अभी हम लोग रास्ते में उन लोगों को वेट कर रहे हैं, तो अभी ऑटो से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाते हैं, हम लोग गर्मी बहुत है ना भाई लोग, तो गर्मी में वहाँ जा कर हम लोग नहाएंगे। ठीक है, तो आ रहे हैं ये भाई लोग भी आ रही है, आ गया देख सकते हो। तो अभी जाएंगे हम लोग, सब लोग आ चुके हैं। भाई लोग देख सकते हो पसीना भी आ रहा है, तो और ये हमारा स्कूटी रास्ते में ही खराब हो गया, तो कैसे जाए बताओ भाई लोग। अभी कितने धूप है भाई लोग देख सकते हो, सूरज मामा को भी देख लो थोड़ा क्या हालत हो गया है आप लोगों का स्कूटी स्टार्ट भी नहीं हो रहा है अभी इसको ठीक करने के लिए कॉल किया है, अभी वो आ जाएगा। तो अभी दूसरी स्कूटी से हम लोग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर नहाएंगे आज हम लोग, वहाँ पर है कोकोनट आइलैंड, तो हम लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ही नहाएंगे आज। तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी भी, देख सकते हो गाइस, तो यहाँ पर नहाएंगे आज। आप लोगों को ना गोवा जाने की कोई जरूरत नहीं है, तो इधर नजदीक में त्रिपुरा में ही है कोकोनट आइलैंड, तो यहाँ पे रहते हो ना आप लोग। कहाँ गोवा में जाके आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो, तो इधर आके आप लोग एंजॉय करो ना, देख सकते हो ना नजारा। अभी सब लोगों को मजा आ रहा है, देख सकते हो। इतना मजा आ रहा है ना भाई लोग, क्या कहूँ, ऐसे तंदी तंदी हवा इधर से, और क्या कहते हैं जो ये है लहरें, इसमें नहाने का मजा ही कुछ अलग है ना। तो आप लोग भी आना चाहते हो तो आ सकते हो भाई लोग, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जगह कोकोनट आइलैंड। आ जाओ भाई लोग, आ जाओ एक बार, तो ट्राई कर लो एक बार। उधर से हम लोग इधर आ चुके हैं क्रैप्स को सुनने के लिए, तो क्रैप्स मिलता है कि नहीं मिलता देखते हैं। हम लोगों को दो स्नेल्स मिल चुका है, तो और भी मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको भी हम लोग पका कर खाएंगे इधर। तो बहुत ही मजा आ रहा है ना भाई लोग, तो आप लोग वीडियो पे बने रहो, दिखाते हैं हम लोग। देख सकते हो यहाँ पर कितना स्नेल्स है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारा मिल चुका है आप लोगों को आज, तो खाना मजा आएगा खाने में। अभी पकाएंगे इसको, ठीक है। मेरा दोस्त लोग क्या कूद रहे हैं देख सकते, क्या मिला क्या मिला, क्रैप्स। तो मुझको तो स्नेल्स मिल चुका है, देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो इसको भी पकाएंगे। ठीक है, निकालो 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 जल्दी से निकालो, मुझको ना बहुत ज्यादा स्नेल्स मिल चुका है, तो अभी इसको भी पकाएंगे। और ये क्रैप्स खोज रहे हैं, तो पकाएंगे आज, पकाएंगे यहाँ पर ही पकाएंगे। मिला 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 क्या, ओ क्रैप्स मिल चुका है, क्रैप्स मिल चुका है, यहाँ पर डाल दो, तो इसको एक साथ में पकाएंगे। ओ मिला 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 मिला, और एक देखो देखो अभी इसको पकाएंगे। ठीक है, कितना मिला हम लोगों को, क्रैप्स मिला है 3, और स्नेल्स तो बहुत ज्यादा मिला है, तो अभी इसको पकाएंगे। चलो चलो भाई लोग चलो पकाएंगे इसको।
आए थे नहाने के लिए, तो नहा तो लिया, इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी क्रेब्स कोस रहे हैं, उसको पकाएंगे, आंख में पकाएंगे इधर, तो इसको भी खाएंगे पका कर, ठीक है। आप लोग वीडियो पे बने रहो। तो ये देखो बहुत सारा मिला यहाँ पर है, इसके अंदर स्नेल्स और क्रेब्स तो भैया और कुछ रहे यार, देख सकते हो भाई लोग। तो आप लोग वीडियो पे बने रहो, मजा आएगा आप लोग को। देख सकते हो भाई लोग क्रेब्स और स्नेल्स मिल चुका है। तो भाई लोग इसके अंदर है स्नेल्स, तो हम लोग इसको भी पकाएंगे। तो इसको जा रहे हैं आंख में, तो है क्रेब्स, तो क्रेब्स को भी दे रहे हैं आंख में, तो इसको पकाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पे मजा लो, तो आप लोग वीडियो पे मजा लो, वीडियो का बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो, देख सकते हो भाई लोग। तो यहाँ पर है स्नेल्स तो फक रहे हैं इधर, तो कैन के जो बिहार का कैन है ना, तो इसमें डाल दिया। तो भाई ऐसे और भी क्रेब्स को डाल रहा है इधर, देख सकते हो भाई लोग। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसका बम तो देखो। ओ ओ ओ बहुत ही बढ़िया है, देख सकते हो भाई लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर क्रेब्स पक रहा है और स्नेल्स भी पक रहा है इसके अंदर, तो इसको खाएंगे थोड़ी देर बाद। आप लोग भी आना चाहते हो, ऐसे इंजॉय करना चाहते हो, तो आ जाओ भाई लोग, आ जाओ जल्दी आ जाओ, इसी महीने पर आ जाओ। बारिश होगा तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा ना, जो यहाँ पर नदियाँ बहुत बड़ा बड़ा होंगे तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं बहुत ही मजा आ रहा है आप लोगों को, तो आप लोग आ जाओ यार। ये क्रेब्स पक चुका है, वो पक चुका है गाइस, तो स्नेल अभी पका नहीं हुआ है, तो इसको पकाने में टाइम लगेगा, तो आग ज्यादा दे दो यहाँ पर। तो क्रेब्स तो हो चुका है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, देख सकते हो क्रेब्स रेडी हो चुका है, पक चुका है। मेरे को भी एक दे दो यार प्लीज, मेरे को भी एक दे दो। तो यो ये मिल चुका है मेरे को क्रेब्स, क्रेब्स बहुत ही टेस्टी है, लेकिन साथ में रेट भी खाना पड़ता है ना भाई लोग। ये देख सकते हो यहाँ पर क्रेब्स के अंदर रेट लगा हुआ है, तो इसको भी खाएंगे। तो ये देख सकते हो ये स्नेल्स, अभी इसको तो इसका मुंह भी खुला नहीं हुआ ना, तो इसको काट के बना तो बाहर निकल गया ये। ओ बहुत टेस्टी है भाई लोग। तो भाई लोग ये स्नेल्स खा रहा है, देख सकते हो स्नेल्स, तो इसको खाएंगे मुदले पाए तो ले रेट खाना पड़ता है, करेक्ट करेक्ट करता है। मैं जाने वाला हूँ यहाँ से उधर उस आइलैंड पे, तो यहाँ से लगभग 200 मीटर तो होगा, मैं तैर के जाऊँगा, ठीक है। पानी बहुत गहरा है, देख सकते हो यहाँ पर भी 5 फुट 4 फुट होगा यहाँ पर पानी, तो वहाँ पर जाऊँगा मैं, लगभग पानी तो ज्यादा होगा, कुछ सौ तीन आइलैंड पे जाऊँगा, ठीक है वहाँ पर। तो आप लोग वीडियो पे बने रहो, और वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। देखते हैं वहाँ पर है कोकोनट आइलैंड, तो उधर है रेस्टोरेंट वगैरह। तो यहाँ से जो हम लोग यहाँ पर तैर रहे हो ना, तो यहाँ का जो यहाँ से जो वहाँ पर किनारा है ना, वो 200 मीटर का होगा, 200 मीटर का होगा डिस्टेंस। कैसा लगा तैर खाने में? हम लोग स्विमिंग जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, वो लोग स्विमिंग नहीं जानते तो वहाँ पर ही रुके हुए है। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चकमा वीडियो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। और बार बार एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग आना भी चाहते हो तो कोकोनट आइलैंड में आओ, अभी के टाइम पे गर्मी का सीजन है, तो यहाँ पर लहरें भी जोरों से आ रही है इधर से, तो गोवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ मैं, गोवा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मज़े ले सकते हो आराम से, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल।